नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सत्याग्रह लेकर। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। और चलिए अब सत्याग्रह में आगे बढ़ते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी मायावती आज खुद मीडिया के सामने आई और भाजपा के साथ साथ कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। मायावती ने कहा है कि चुनावों से पहले भाजपा और कांग्रेस में खुद को ज्यादा बड़ा सॉफ्ट हिंदुत्ववादी साबित करने की होड़ चल रही है। बीजेपी व कांग्रेस में, खासकर बीजेपी व कांग्रेस में अब इस मुद्दे पर काफी प्रमुखता से लड़ाई चल रही है कि इन दोनों में से कौन बड़ा हिंदुत्ववादी है, वह हिंदू भक्त हैं। मायावती ने आरोप लगाया कि सॉफ्ट हिंदुत्ववादी छवि गढ़ने के लिए भाजपा और कांग्रेस बाकी धर्मों का अपमान कर रहे हैं। उत्तराखंड स्टेट में जहां बरसों से लोगों की आस्था के बने स्थलों को अर्थात मजारों आदि को जो ये कहकर अब हटाया जा रहा है कि मजारें सरकारी जमीनों पर बनी हैं, इससे बीएसपी सहमत नहीं है। भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ मायावती ने यह हमला तब बोला जब सोमवार को ही प्रियंका गांधी ने एमपी में नर्मदा नदी में स्नान किया और अयोध्या में रामलला को विराजमान करने के लिए पीएम मोदी को न्योता भेजा गया। देखिए, मायावती ने एक तरफ तो भाजपा और कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व पर हमला किया तो दूसरी तरफ अवैध उत्तराखंड में अवैध मजारों के खिलाफ एक्शन पर भी सवाल उठा। उत्तराखंड में कई जिलों में बीते दिनों अवैध मजारों और धार्मिक स्थलों को हटाए जाने के मुद्दे पर मायावती ने विरोध किया है। उत्तराखंड स्टेट में जहां बरसों से लोगों की आस्था के बने स्थलों को अर्थात मजारों आदि को जो ये कहकर अब हटाया जा रहा है कि मजारें सरकारी जमीनों पर बनी हैं, इससे बीएसपी सहमत नहीं है। करीब एक महीने पहले उत्तराखंड में धामी सरकार ने सरकारी जमीनों पर बनाए गए अवैध धर्म स्थलों के खिलाफ अभियान चलाकर मजारों और धर्म स्थलों को हटा दिया था, लेकिन मायावती ने सवाल उठाया कि जब मजारें बनाई जा रही थी तो सरकार ने उन पर रोक क्यों नहीं लगाई। जब यहाँ मजारें सरकारी जमीनों पर बन रही थी तो तब उस समय यहाँ की सरकारों ने इनको बनने से क्यों नहीं रोका था। मायावती का ये बयान ऐसे वक्त पर सामने आया जब बसपा मुस्लिम वोटर्स को जोड़ने के लिए नए सिरे से कोशिश करने में जुटी हुई है। बड़ी जानकारी लखनऊ से मिल रही है। कार्यकर्ताओं के साथ अखिलेश यादव की जो बैठक हो रही थी वो खत्म हो गई है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को लेकर एक मीटिंग हुई। बैठक में सभी जिलों के पुनरीक्षण प्रभारी इसमें मौजूद रहे। बूथ को मजबूत करने पर समाजवादी पार्टी जोर दे रही है, लेकिन और क्या खास रहा इस बैठक में बताएंगे आपको मेरे सहयोगी विवेक त्रिपाठी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, कार्यकर्ताओं के साथ अखिलेश यादव मीटिंग कर रहे थे, मीटिंग खत्म क्या रहा, मीटिंग में खास बताएं दर्शकों को। दीपा, मीटिंग में वही बात दोहराई गई जो पिछले प्रशिक्षण शिविरों में दोहराई गई थी। वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को लेकर समाजवादी पार्टी पहले भी कहती रही है कि वोटर लिस्ट में जानबूझकर वोट काटे गए, खासकर वो वोट बैंक जो उनका था, यादव, मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग, तमाम ऐसे वोट काट दिए गए वोटर लिस्ट से, उनको वापस जोड़ने के लिए क्या किस तरह से रणनीति बनानी है, ये आज चर्चा हुई। पिछले प्रशिक्षण शिविर चाहे वो लखीमपुर में हो या नैमिषारण्य में हो, वहाँ भी यही चर्चा हुई थी। और आज बाकायदा उन जिलों को, उन जनपदों को, उन सीटों को, चाहे वो लोकसभा की हो, विधानसभा की हो, निकाय चुनाव की हो, पंचायत की हो, सब सीटों पर खास फोकस रहा। धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। और आगे बढ़ेंगे जहां यूपी की 80 लोकसभा सीटों को अपने पक्ष में करने के लिए हर पार्टी अपने पैतरे आजमा रही है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए 80 हराओ बीजेपी हटाओ का नारा दिया, जिस पर भाजपा ने भी पलटवार किया। चंदौली के दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि 2024 में जहां सपा बची है वहां भी कमल खिलेगा। अखिलेश जी को 2014 से कह रहे हैं, 2014 में कहे अब 60 से 70 सीटें जीतेंगे, 4 पर सिमट गए। 2017 में उन्होंने कहा 300 पार करेंगे, 47 में सिमट गए, और 2022 में 400 जीत रहे थे, और आज कहां पर खड़े हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर अहंकारी होने का भी आरोप लगाया। अहंकार भगवान का भोजन है, असली अखिलेश यादव जी अहंकार से भरे हुए। उनको मैं बार बार कहता हूं, उनको विरासत में मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली है, विरासत में समाजवादी पार्टी की अध्यक्षी मिली है, और वरासत में उनको श्री मुलायम सिंह यादव जी की संपत्ति मिल सकती है, ये नहीं मिल सकता। समाजवादी पार्टी लगातार यूपी की 80 सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा कर रही है। खुद अखिलेश यादव ने सीतापुर में सभी 80 सीटें जीतने की बात कही। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से सपा ने 2019 में केवल 5 सीटें जीती थी, उनमें से भी 2 सीट रामपुर और आजमगढ़। सपा उपचुनाव में भाजपा से हार गई थी। फिलहाल सपा के पास 3 लोकसभा सीट है तो यूपी में भाजपा के पास 64 लोकसभा सीट है।
और चलिए सत्याग्रह में फिर से आगे बढ़ते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी यूपी की हारी हुई 14 लोकसभा सीटों पर काम करने के बाद अब जुलाई से जीती हुई 66 सीटों पर फोकस करने जा रही है। भाजपा संगठन 2019 में जीती हुई सभी 66 लोकसभा सीटों के लिए लोकसभा प्रभारी और संयोजकों के साथ मंथन करने वाली है, जिसके लिए पार्टी हर लोकसभा सीट पर संयोजक मंडल तैयार करने वाली है। ये संयोजक मंडल ही लोकसभा में रणनीति बनाने, टिकट तय करने तक में अहम भूमिका निभाएगा। लोकसभा चुनाव से जुड़े सभी फैसलों को स्थानीय स्तर पर ले जाने की जिम्मेदारी भी यही संयोजक मंडल निभाएगा। इस संयोजक मंडल के ही जिम्मे लोकसभा में होने वाली जनसभा, रैलियों के कार्यक्रम तय करने से लेकर प्रदेश कार्यालय से संवाद करने की भी जिम्मेदारी होगी। भाजपा ने लोकसभा चुनाव तक के लिए 21 क्लस्टर पहले ही तय कर दिए हैं। सरकार के मंत्री इन सभी क्लस्टर्स की मदद से काम करेंगे। मोदी जी का ये 9 साल का कार्यकाल है, हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हमारे, उनके 9 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं और महासंपर्क अभियान को लेकर के हर व्यक्ति से मिलना, हर व्यक्ति तक भाजपा पहुँचे, हर व्यक्ति तक हमारे जो केंद्र सरकार प्रदेश सरकार की नीतियां रही हैं वो पहुंचे, ये प्रयास हमारा है। चर्चा इस बात की है कि जल्दी ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की किसी जाटव चेहरे को मंत्री बनाया जा सकता है। खासतौर से शाहजहांपुर से सांसद अरुण सागर का नाम इसमें सबसे आगे माना जा रहा है। चर्चा सांसद जयप्रकाश रावत और रेखा वर्मा के नामों की भी हो रही है। तो अब इसमें होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर तमाम दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, लेकिन रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी दोबारा से अपनी पार्टी की जड़ें जमाने में जुटे। अपने दादा चौधरी चरण सिंह और पिता अजीत सिंह की विरासत संभालने में जुटे जयंत चौधरी अपनी खोई हुई जमीन वापस हासिल करने के लिए इन दिनों तपती धूप में पश्चिमी यूपी की खाक छानने में लगे हुए हैं। आने वाले वर्ष में प्रयास करेंगे, क्योंकि 24 में कोई मजबूरी नहीं है, ये बताया जाता है देश में क्या करोगे को मजबूरी है, मजबूरी में वोट करोगे, ये अपने लोगों को ताकत देने के लिए वोट करोगे, अपने मुद्दों को जिंदा रखने के लिए वोट करोगे। जयंत चौधरी ने 19 मई को बागपत से समरसता अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत जयंत चौधरी ने 1500 गांवों में खुद जाकर लोगों से सीधे संवाद करने का संकल्प लिया। 26 दिनों में जयंत ने 140 गांवों का सफर तय कर लिया है। धारा के साथ चलने में इतना मजा नहीं आता जितना अलग खड़े होकर अपनी बात रखने में आता, लेकिन हम विरोध इसीलिए कर रहे हैं कि सरकार की नाकामिया है, इस सरकार ने किसान के अन्नदाता के साथ घोर अन्याय किया। हालांकि इस मुहिम में जयंत ने अपनी सहयोगी समाजवादी पार्टी को साथ नहीं दिया। निश्चित रूप से बीजेपी कमजोर हो रही है, ये गठबंधन हर रोज बढ़ेगा पूरी ताकत के साथ। पूरा पश्चिम में मिलकर जब हवा चलेगी तो बीजेपी का विजय रथ ये लोग रोक पाएंगे, ऐसा दावा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में एक साल से भी कम का समय बचा है, लेकिन चुनाव की तैयारियों की जगह पार्टी में सिर्फ फुटबॉल शुरू हो चुका है। निकाय चुनाव में फ्लॉप रहने के बाद कांग्रेस में इन दिनों कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। प्रदेश उपाध्यक्ष सोहेल अंसारी ने प्रदेश नेतृत्व पर सवाल खड़ा करते हुए नगर निकाय चुनाव में पार्टी की हार का ठीकरा प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी पर फोड़ दिया। लखनऊ से टिकट बांटा गया, क्या दशा हो गई, हमारे 30-35 पार्षद जीत रहे थे, लेकिन इन लोगों ने ऐसे ऐसे टिकट बांट दिए जो आज कांग्रेस की दशा खराब हो गई। ये जिम्मेदार तो हम, जिसने टिकट बांटा वही जिम्मेदार है। सोहेल यहीं नहीं रुके, पूर्व विधायक ने चुनाव में टिकट के खरीद फरोख्त का आरोप भी लगाया। यूपी कांग्रेस उपाध्यक्ष का मानना है कि कानपुर में उन्होंने इस बार निकाय चुनाव में 30 से 35 कांग्रेस पार्षद प्रत्याशियों की जीत की उम्मीद लगाई थी, लेकिन इस तरह से बांटे गए कि पार्टी की बुरी हार हुई। प्रदेश अध्यक्ष ने टिकट बांटा और 73 का उन्होंने ये कहा कि ये सिंबल हम फ्रीज करते हैं और इस सिंबल पर कोई नहीं लड़ेगा। कुछ लोग मिली भगत करके सिंबल उसको बेच दिया और बेच के जो पुराना प्रत्याशी था उसको दे दिया 3 बजे। इससे पहले कानपुर में कांग्रेस ने नगर निकाय चुनाव में विश्वासघात करने वाले कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के अनुशासन समिति ने नोटिस भेजा था। जिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नोटिस भेजा गया था उनमें कानपुर कैंट विधानसभा से विधायक रहे सोहेल अंसारी का नाम भी था। कांग्रेस ने सोहेल अंसारी से स्पष्टीकरण भी मांगा है। गाजियाबाद में अवैध तरीके से ऑनलाइन गेम के जरिए नाबालिग बच्चों का धर्मांतरण कराने के आरोपी शाहनवाज बद्दो को पुलिस ने कोर्ट में पेश। जहां गाजियाबाद ACJM थर्ड कोर्ट में गेमिंग धर्मांतरण के मामले में मास्टरमाइंड शाहनवाज को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। थाना कबीरनगर में विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसके मुख्य आरोपी बड्डू उर्फ शाहनवाज को कबीरनगर पुलिस द्वारा महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर ले आया गया था। आज पूछताछ के उपरांत उनको सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मुंबई से गाजियाबाद ले आए जाने के बाद पुलिस यूपी ATS और इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम बद्दो से पूछताछ की।
जिसके बाद उसका मेडिकल करवाकर अब कोर्ट में पेश किया गया। मुंबई के ठाणे सेशन कोर्ट से गाजियाबाद पुलिस को बद्दो की 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड मिली थी। रिमांड की अवधि पूरी होने से करीब 48 घंटे पहले से ही पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर दिया। ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए नाबालिगों के धर्मांतरण का आरोपी शाहनवाज उर्फ बद्दो ने अपनी फरारी के दौरान उन सबूतों को नष्ट किया है जो उसके मोबाइल फोन और लैपटॉप में थे। खबर है कि पुलिस ने अब तक उसके फोन नंबर के जरिए हासिल होने वाली सारी जानकारी तो जुटा ली है, लेकिन बद्दो ने कुछ दूसरे नंबर भी इस्तेमाल के लिए रखे हैं। इन नंबर्स की ट्रेल का खुलासा करने के लिए साइबर एक्सपर्ट को लगाया गया है। उत्तराखंड में 15 और 18 जून को हिंदू और मुस्लिम महापंचायतों के ऐलान के बाद माहौल गर्माने लगा है और इसी बीच उत्तराखंड में लव जिहाद के मामलों को लेकर सियासी पारा चढ़ चुका है। 15 जून को हिंदू संगठनों ने उत्तरकाशी के पुरोला में महापंचायत का आह्वान किया है, लेकिन महापंचायत से पहले समुदाय विशेष के खिलाफ चिपकाए गए पोस्टर से माहौल और गर्मा गया। ये पोस्टर चस्पा करो, कुछ भी करो, उनके बाप का हिंदुस्तान नहीं है या वो उत्तरकाशी उनका नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान है उसका मालिक, हिंदुस्तान की सारे जनता, वो किसी धर्म किसी मजहब की हो, सबको वहाँ रहने का हक है, संविधान मौजूद है। इसी बीच पुरोला में होने वाली हिंदू संगठनों की महापंचायत को लेकर भाजपा के स्थानीय विधायक ने कहा है कि ना तो इलाके में पलायन हुआ और ना ही किसी महापंचायत का ऐलान हुआ। पुरोला में महापंचायत नहीं हो रही है, अगर अननेसेसरी लोगों को टॉर्चर करेंगे तो भाई डेफिनेटली बात है, तब लोग हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, हमारे आपसी सौहार्द को कोई बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसको छोड़ेंगे। दूसरी तरफ प्रशासन ने भी साफ कर दिया कि 15 और 18 जून को किसी भी तरह की महापंचायत के लिए मंजूरी नहीं मांगी गई और प्रशासन किसी को भी कानून हाथों में नहीं लेने देगा। प्रयागराज के प्राचीन मन कामेश्वर मंदिर में अब श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया। प्राचीन मंदिर के बाहर नोटिस बोर्ड लगा दिया गया है जिसमें साफ साफ ड्रेस कोड के बारे में लिखा गया। नोटिस बोर्ड लगाकर बताया गया है कि मंदिर साधना की जगह है जिसमें श्रद्धालुओं को निर्देश दिए गए हैं कि कैसे और किस तरह के कपड़े पहनकर आने पर मंदिर में एंट्री मिलेगी। ये ड्रेस कोड तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस ड्रेस कोड के मुताबिक जो महिलाएं हैं, जो युवतियां हैं, अब छोटे कपड़े पहनकर या भड़काऊ कपड़े पहनकर मंदिर में प्रवेश नहीं पा सकेंगी। ड्रेस कोड लगाए जाने का लक्ष्य है कि मंदिरों में पूजा करने जाएं तो सलीकेदार कपड़े पहनना जरूरी है, यानी कि जो जगह पूजा अर्चना की है वहाँ आधुनिकता के नाम पर कुछ भी पहनकर नहीं जा सकते। पूजा पाठ होती थी तो महिलाएं धोती में ही बैठती थी और जो पुरुष होते थे वो भी धोती पहनते थे और ऊपर अंगोछा ओढ़ते थे। अब वो लगातार अंग प्रदर्शन जैसी घटनाएं हो रही हैं, इससे ये दिशा निर्देश और गाइडलाइन जारी करना जरूरी है। मन कामेश्वर मंदिर में ड्रेस कोड का फैसला चर्चा का विषय बना हुआ है, हालांकि ज्यादातर महिलाओं ने इस फैसले को सही बताया। कोई भी चीज को लेके मतलब कोई प्रॉब्लम हो सके तो मेरे लिए तो ये मेरे हिसाब से तो ये ठीक है। प्रयागराज में यमुना किनारे स्थित प्राचीन मन कामेश्वर मंदिर पौराणिक महत्व का धार्मिक स्थल है। मान्यता है कि यहाँ भगवान भोलेनाथ स्वयं विराजमान है। मंदिर में रोजाना सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए आते हैं। सोमवार के दिन यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। बरेली में हनी ट्रैप का एक मामला सामने आया जहां 32 लोग हुस्न के जाल का शिकार। बरेली में हनी ट्रैप का गैंग एक्टिव है जिसने एक या दो नहीं बल्कि 32 लोगों को अपना शिकार बनाया। हाई प्रोफाइल लोग हुस्न की बालाओं के जाल में फंस गए जिनसे करोड़ों रुपए ठगे गए। ये है, मैं माधुरी पाल के घर पे रहती हूँ किराए पे, ठीक है। फिर वहाँ उसने उसका देवर आया था, मनोज पाल आता है, वो मनोज पाल आता है उसके घर पे, ठीक है। तो उसने दारू फारू पी थी और माधुरी ने, दोनों ने। फिर मैं अपने रूम में सो रही थी, वो आया मेरे रूम में, घुस गया दारू के नशे में। उसने मेरे साथ गलत कर दिया था, माधुरी वीडियो बना रही थी, उसने वीडियो बना ली, उसके साथ वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी। ये बहुत लोगों के साथ करती है। ये मामला तब संज्ञान में आया जब पीलीभीत जिले के घुंघचाई थाने में तैनात एसओ खुद इस ट्रैप का शिकार हो गए। एसओ के खिलाफ बरेली के बारादरी थाने में इस गैंग ने गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके उन्हें बदनाम कर दिया। उनकी न्यूड फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। जो एक नामजद महिला है उसके द्वारा थाना बारादरी पर भी इसके पूर्व में दो मुकदमे लिखवाए गए हैं। इन सभी प्रकरणों की जो है साक्ष्य संकलन के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है। ये गैंग अब तक कई बड़े व्यापारी, समाजसेवी नेता और रिटायर्ड अधिकारियों को अपने जाल में फंसा चुका है। इस गैंग में करीब 10 लड़कियां शामिल हैं। अब तक इस गैंग के खिलाफ 6 से ज्यादा लोगों की शिकायत आ चुकी है। गैंग की सरगना समेत 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। 2024 के चुनाव से पहले क्या यूपी में सियासत की नई तस्वीर देखने को मिल सकती है? ये सवाल इसलिए क्योंकि सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर के रिसेप्शन में भाजपा के दिग्गज शामिल हो रहे हैं। ये तस्वीर 2024 के चुनाव से पहले सियासी कयासों को जन्म दे सकती है। दरअसल ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर का रिसेप्शन है।
जिसके चलते भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और खेल मंत्री गिरीश यादव सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर के घर पहुंचे और नव दंपति को आशीर्वाद दिया। वहीं रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी भी ओपी राजभर के घर पहुंचे। वाराणसी में अरुण राजभर के रिसेप्शन में यूपी सरकार के कई मंत्री और दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे और नव दंपति को आशीर्वाद देंगे। इससे पहले पीएम मोदी भी पत्र के जरिए ओपी राजभर को शुभकामनाएं दे चुके हैं। अब ये जान लीजिए कि सुभाषपा भाजपा के लिए क्यों अहम है। सुभाषपा का पूर्वांचल की कई सीटों पर अच्छा प्रभाव है। पूर्वांचल के 15 जिलों में ओपी राजभर का प्रभाव है। पूर्वांचल के गाजीपुर, मऊ, बलिया, चंदौली में प्रभाव है। वाराणसी, मिर्जापुर, देवरिया में भी राजभर का दबदबा है। आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, गोरखपुर में राजभर का वोट बैंक है। कुशीनगर, सोनभद्र में भी बड़ी संख्या में राजभर के वोटर्स हैं। सुभाषपा से गठबंधन हुआ तो गाजीपुर, जौनपुर में फायदा संभव है। लालगंज, श्रावस्ती, आजमगढ़ सीट पर भाजपा को फायदा संभव है। ऐसे में 2024 से पहले नए सियासी समीकरण देखने को मिल सकते हैं। पिछले दिनों राहुल गांधी ने एक ट्रक की सवारी की थी और इन दिनों राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने एक बार फिर से ट्रक की ही सवारी की। अमेरिका का दौरा कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो अमेरिका में एक भारतीय ड्राइवर के साथ ट्रक यात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं। वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क की 190 किलोमीटर की यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने तेजिंदर गिल नाम के ट्रक ड्राइवर से बहुत सारी बातें की और अनुभव साझा किए। मजाक कर रहे थे कि राहुल गांधी को मिलने के लिए तेरी शादी छोड़ गया जी, तेरा दोस्त कैसा है। लेकिन जब राहुल गांधी ने गिल से पूछा वो कितना कमा लेते हैं, तो ट्रक ड्राइवर का जवाब सुनकर राहुल गांधी हैरान हो गए। रेट के हिसाब से अगर ड्राइवरी भी करते 4-5 लाख रुपए बन जाते हैं, $8-10 इजीली बनता यहाँ पे अपना ट्रक वाला, $10-10 $8 लाख रुपए हो गए। वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क की इस ट्रक यात्रा में राहुल गांधी के साथ इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा भी मौजूद थे, जो पिछली सीट पर बैठकर राहुल गांधी की इस पूरी यात्रा को कैमरे में कैद करवा रहे थे। इसके पहले भारत में भी राहुल गांधी ने ट्रक में सवार होकर सड़क का सफर पूरा किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।